रूपा जी, आपने कहा कि सोयाबीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी एडिबल ऑयल में गिरावट है, तो सोयाबीन में ऐसा क्या है जो सोयाबीन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा? बात है, प्रोडक्शन जो है काफी कम है और दूसरा यहाँ पर सोयाबीन की अभी डिमांड जो है वो अच्छी खासी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड निकल सकती है यूएस की तरफ से, तो वहां पर एक जो पॉजिटिवनेस दिखाई देती है कि देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन थोड़ा सस्टेन रह सकता है ऊपरी स्तरों पर, और बाकी अदर अगर ऑयल की बात करें तो वहां पर प्रेशर बना रह सकता है जी।